एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नावदार एसोसिएशन एंड करंटली कंटेस्टेंट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ आवर इलेक्शन। सो जो इलेक्शन इन लोगों ने अनाउंस की है साथियों, वो 1 सितंबर को केसी रेजिडेंसी में होगी। हमारे टोटल जो वोट्स हैं पुरानी लिस्ट के मुताबिक 349 है, जिसमें बहुत सस्पिशियस वोट्स हैं, बड़े डबल वोट्स हैं, कई खाली वोट्स हैं, तो पूरी धांधली से भरी पड़ी है हमारी जो वोटर लिस्ट है। तो साथियों मेरी स्ट्रगल यही है कि पहले तो मैं इन लोगों को बोल रहा था कि इस वोटर लिस्ट को रेक्टिफाई किया जाए, सारे नए लिस्ट बने। प्लस हमारे बाजार में एक रिवाज है कि एक शटर के 6-6 वोट हैं, एक शटर के 7-7 वोट हैं। कई फैमिलीज के, जैसे हमारे पूरी साहब हैं, इनकी फैमिली के 14 वोट हैं साथियों। तो एक अगर फैमिली के 14 वोट हैं 2 दुकानों में 3 दुकानों में, तो आप लोग कैसे किसी के साथ इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। सो मैं आपसे ये मुद्दा ये नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है साथियों कि इन लोगों ने, जो हमारे पुराने प्रधान हैं सुरेंद्र महाजन जी, उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली थी कि आप 7 अगस्त तक सारे पैसे दे दो, उसके बाद आपके वोटिंग राइट सीज कर दिए जाएंगे। लेकिन नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं 9 तारीख को, 9 अगस्त को कि इलेक्शन जो होगी वो फर्स्ट को होगी। तो साथियों ऐसे हैं कि 7th को इन लोगों ने सबके वोटिंग राइट सीज कर दिए, 9 को ये नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं कि जो इलेक्शन है वो 1st को होगी। कल 13 तारीख को एक और सर्कुलर आ रहा है जिसमें इन्होंने नॉमिनेशन फाइल करने के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा कर दिए, और जो 60-70 लोग रह गए हैं जिन लोगों ने पैसे जमा नहीं किए हैं, आपको पता रघुनाथजार में स्पेशली हरी थिएटर से नीचे जो जितनी भी टूरिस्ट ओरिएंटेड शॉप्स हैं उन लोगों को कितना मंदे की दौर से गुजरना पड़ रहा है। तो साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त इन लोगों ने जो जितने भी लोगों के पैसे रातों रात जमा किए हैं, 65 लोगों के पैसे 4.5 साल में आए हैं, और 7 तारीख को 1.5 घंटे में 200 बंदों के पैसे आए हैं, और आज भी 7 तारीख में कैश की भी रसीदें काटी जा रही हैं और चेक भी रिसीव किए जा रहे हैं। लेकिन हमारे जो साथी हैं, जो रुनाजदार के नीचे के साथी हैं, जिसमें मेरे कुछ कंटेस्टेंट्स भी हैं, जो लोगों को यकीन नहीं था कि ये लोग इलेक्शन करवाएंगे, तो पुराना रिवाज है कि जब इलेक्शन होती है उसे 2 दिन तक से पहले तक सारे पैसे जमा करते हैं, तो आज ये रिफ्यूज़ करें कि हमने पैसे नहीं लेने हैं। इन लोगों ने लिस्टें आज तक बाहर नहीं निकाली हैं। कानून के मुताबिक जब आप लोगों ने नोटिफिकेशन निकालनी है, आपने कैंडिडेट को जब नॉमिनेशन पेपर देना है इलेक्शन के लिए, आप लोगों को उनको पूरी की पूरी लिस्ट देनी होती है वोटर लिस्ट की, कौन सा वोटर वैलिड है, कौन सा वोटर इनवैलिड है। तो जब तक आप लोग ये चीज़ प्रोवाइड ही नहीं कर सकते हो, तो उस इलेक्शन का क्या मतलब है। तो मेरे यही आप लोगों से माध्यम से अपील है कि जो 4 हमारे बाजार के जो इस वक्त इलेक्शन मेंबर्स बने हुए हैं, जिसमें प्रेसिडेंट हमारे हीरालाल अबरोल जी हैं और वरिंदर पुरी जी हैं, अपने विनोद जी हैं DCM वाले, और ललित प्रताप शुभ वाले हैं। तो साथियों 3 आदमियों के हमें ऊपर कोई यकीन नहीं है, ये तीनों के तीनों बेईमान हैं। दे हैव सेल्फ इंटरेस्ट इन दिस इलेक्शन। पुरी साहब का अपना रिश्तेदार खड़ा है इलेक्शन में, विनोद जी का अपना रिश्तेदार प्रेसिडेंट के लिए खड़ा है इलेक्शन में। तो मेरे जो सपोर्टर्स हैं, मेरे जो इलेक्शन टीम में मेरे साथ हैं साथियों, उन लोगों को डिप्राइव किया जा रहा है इस राइट से, ना उनके पैसे जमा कर रहे हैं और ना ही उन लोगों को किसी किस्म का कोई हिसाब दे रहे हैं। हमें आज भी नहीं पता साथियों 14 तारीख कि कौन कौन सा वोटर वैलिड है, कौन कौन सा वोटर इनवैलिड है। तो ऐसी इलेक्शन हम कैसे लड़ पाएंगे। मैं चाहता हूं कि ये टीम चेंज की जाए। अगर ये इस वक्त भी अपनी टीम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हमें मंडे को कोई ना कोई लीगल लेना पड़ेगा एक्शन इस टीम को हटाने के लिए। लेकिन जो इलेक्शन होगी वो 1st को ही होगी, लेकिन जो टीम है इसको हम रिप्लेस कराएंगे। वो हम चाहते हैं कि एक रिसीवर अपॉइंट करे कोर्ट, ताकि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। ये मेरे साथ हमारे अश्विनी जी बैठे हैं, ये पर्सनली गए हैं पैसे जमा करने, इनके पैसे रिफ्यूज कर दिए उन्होंने कि हमने आपके पैसे नहीं लेने। कोई कभी आज वो नहीं है, आज रसीद नहीं है, आज प्रधान नहीं है।